टू ममताज किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर से बनने वाली पनीर चिल्ली, जो सभी को पसंद आती है और बहुत ही टेस्टी डिश है। चटपटी सी और जल्दी बन जाती है और बनाने में भी ये एकदम इजी है। तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल हमने बनाई है, तो आप ज़रूर इसे फॉलो करिएगा और बनाइएगा। तो आज हम बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चिल्ली। पनीर चिल्ली बनाने के लिए हमने पनीर लिया है, इसे बड़े टुकड़ों में काट लिया है हमने। 350 ग्राम पनीर लिया है, एक बड़ा गाजर लिया है उसे भी हमने कट कर लिया है, अनियन लिया है उसे भी बड़ा कट कर लिया है, और कैप्सिकम लिया है उसे भी हमने इस तरह स्क्वायर में बड़ा कट कर लिया है, और तीखी वाली जो मिर्ची आती है नॉर्मल हमारी, वो हमने 5 से 6 ली है और उसे भी इसे ऐसे कट कर ली है, और कॉर्नफ्लोर लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और सोया सॉस लेंगे, थोड़ा चिली सॉस लेंगे और थोड़ा टोमेटो केचप। तो शुरुआत कर देते हैं बनाने की। सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है, उसमें हम 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेंगे, 2 से 3 चम्मच आप ले सकते हैं, 1 टीस्पून हमें रेड चिली पाउडर डालना है इसमें, 1/4 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और उसमें थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। मिक्स कर लिया है अच्छे से, अब ये पनीर जो हमने कट करके लिया है वो इसमें डाल देंगे। तो इसे हमें हल्के हाथों से मिला लेना है ये सब। तो पनीर हमारा अच्छे से इसमें कोट हो गया है, इसे अब हम फ्राई कर लेंगे। तो गैस पर हमने एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है, उसमें तेल डालकर तेल भी गरम हो गया है, और अब ये हमारे जो पनीर है ये हम एक एक करके अंदर डाल देंगे। तो ये सारे पनीर हमने आधे पनीर डाले हैं अभी। पनीर हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है और इसे हम निकाल लेंगे। और जो बाकी का पनीर है वो भी हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये डिश सभी को बहुत ही पसंद आती है, बच्चों को तो एकदम ज़्यादा पसंद आती है, और ये बन भी एकदम फटाफट जाती है, इसमें इतनी देर भी नहीं लगती, और इसे आप पार्टी में भी बना सकते हैं स्टार्टर के रूप में। दूसरा पनीर भी हमने फ्राई करने के लिए रख दिया है, और जो कॉर्नफ्लोर का बैटर था थोड़ा बच गया है, तो इसमें हम ये जो गाजर लिए थे वो उसमें डाल देंगे। और इसे भी अच्छी तरह मिला लेंगे, इसे भी हमें फ्राई करना है। तो ये दूसरा पनीर भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और जो हमने गाजर ये कॉर्नफ्लोर के बैटर में कोट किया है अंदर, वो हम फ्राई कर लेंगे। ये गाजर भी फ्राई हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में हमने 1 टेबल स्पून तेल बचा कर रखा है, तो इसमें हम ये ग्रीन चिली डाल देंगे। फ्लेम हमें फास्ट ही रखनी है, और जो अनियन कट करके लिए है वो भी डाल देंगे। तो अनियन हमारे थोड़े पक चुके हैं, ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अब ये कैप्सिकम डाल देंगे, इसे भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा ही स्टर फ्राई करना है इसे। तो ये कैप्सिकम भी हमारा थोड़ा पक चुका है, तो अब हमें इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ली है वो डाल देंगे, 1 टीस्पून ना डालेंगे इसमें, 1 टीस्पून चिली सॉस डालेंगे, ये टोमेटो केचप है ये हमें 2 टेबलस्पून डालना है,
ये 2 टेबल स्पून हमने टमाटो केचप डाला है, 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम हमने सोया सॉस डाला है और इसे मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमने पनीर और गाजर को कोट किया था कॉर्नफ्लोर सलरी में, वो 1 टेबल स्पून हमारी बच गई है, तो इसे ही हम इसमें डाल देंगे। अगर ये आपकी नहीं बची है तो एक बाउल में 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेके पानी डाल दीजिए इसमें और स्लरी बन जाएगी। तो वो हमें डालनी है और थोड़ा पानी डालना है और इसे हला लेना है। और अब हम इसमें ये जो पनीर हमने फ्राई किया था वो डाल देंगे और गाजर जो हमने फ्राई किया था वो भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। आपको थोड़ा ये इसका डार्क कलर पसंद है तो आप सोया सॉस इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये पनीर चिल्ली हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। हमने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि ये जो सब सॉसेज होते हैं उसमें काफ़ी सारा नमक होता है। और ये सॉसेज डालने के बाद आप टेस्ट कर लीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा नमक आप डाल दीजिएगा। अब हम इसे सर्व कर देते हैं। एक प्लेट ले ली हमने और इसमें हम पनीर चिल्ली सर्व कर देते हैं। देख सकते हैं आप एकदम गर्मा गर्म और एकदम अज टेस्टी ये डिश बन गई है। तो ये पनीर चिल्ली ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, एकदम इजी है और इसका टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का ही आएगा इस तरह आप बनाएंगे। तो फ्रेंड्स तैयार है चटपटी पनीर चिल्ली।